ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 786। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो डैट यू कैन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। ये स्टूडेंट्स आज की वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज जो हम एम ए इंग्लिश का पार्ट टू का जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो मॉडर्न नावल मॉडर्न सॉरी ड्रामा है हमारे पास। मॉडर्न ड्रामा जो हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है हेडा गेबलर, जो हमारा फर्स्ट प्ले है जो हम इसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं। नॉर्वेजियन राइटर है इसका हेनरिक इब्सन। आज हम स्टूडेंट्स इस पे जो है वो बात करेंगे राइटर के बारे में, टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में और सिर्फ करेक्टर्स के बारे में। इसके हम जो दूसरा लेक्चर बनाएंगे उसमें इंशाल्लाह हम समरी को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और थीम्स जो है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे और पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम उसको देखेंगे। स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन विद द राइटर, राइटर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हेनरिक इब्सन वॉज अ नॉर्वेजियन राइटर एंड ही वॉज बॉर्न इन 1828 एंड डाइड इन 1906। ऑल्दो ही वॉज कंसिडर यू नो अ फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर, ये फाउंडर ऑफ मॉडर्न ड्रामा था, फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर था। और इब्सन के बारे में ये भी स्टूडेंट कहा जाता है कि ही वॉज अ माउथ पीस ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट का राइटर था, माउथ पीस था। एंड इसने इब्सन की जो मैंने यहाँ पे कोट भी लिखा हुआ है, क्योंकि वुमेन राइट्स का ये बड़ा दिलदादा था, ये चाहता था कि वुमेन को भी जो है वो इसी तरह राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी मिलनी चाहिए जिस तरह मेल को है। ऑल्दो हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, पेट्रार्कन सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पर मेल जो है वो डोमिनेंस है, तो वो चाहता था कि फीमेल की भी डोमिनेंस होनी चाहिए। तो कहता है कि इब्सन एक्सप्लोर्ड हाउ हिज आर्ट कुड एडवोकेट फॉर सोशल जस्टिस एंड वुमेन्स राइट, सोशल जस्टिस होना चाहिए सबके लिए बराबर, इक्वालिटी, फिर बात वही इक्वालिटी की है और वुमेन राइट्स की। स्टूडेंट्स हेडा गेबलर जो बेसिकली जो ड्रामा है इसके अंदर एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी अपनी जो लाइफ हिस्ट्री है वो है। ही वॉज फेल इन लव विद समवन, हर नेम इज़ समवन, यू नो हेडा गेबलर उसी का जो शाखसाना है, उसी का करदार है। और हेडा गेबलर एक ऐसा करदार है स्टूडेंट जो किसी भी मेल के जो है वो अंडर रहना पसंद नहीं करती, और इसी वजह से जो हेडा गेबलर एंड पे जो है सुसाइड कमिट कर लेती है, अटेम्प्ट कर लेती है। तो स्टूडेंट्स इसके जो की फैक्ट्स हैं उस पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये जो जेनरा है ड्रामा है 1890 में जो इसको पब्लिश किया गया, ये रिटर्न इन या पब्लिश इन है। और लिटरेरी पीरियड इसका जो है थिएट्रिकल रियलिज्म है, चूँकि रियलिज्म पे बात हो रही थी स्टूडेंट, तो रियलिज्म जो है वो इसने इंट्रोड्यूस करवाया हेनरिक इब्सन ने, और हेनरिक इब्सन था, विलियम मॉरिस था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ था, ये इन्होंने रियलिज्म को बहुत ज़्यादा मुतारफ़ करवाया। और इसके बाद स्टूडेंट जो इसकी सेटिंग है वो टेस्टमेंस विला में है, लोकेटेड इन नॉर्वेजियन सिटी में। और इसका जो क्लाइमैक्स है स्टूडेंट वो हेडा लेबॉक का जो मनुस्क्रिप्ट है उसको वो बर्न कर देती है। शी बर्न हेडा बर्न्स, यहाँ से ये रेस हो गया, मैं बर्न्स यहाँ लिख देता हूँ, बर्न्स लेबॉक मनुस्क्रिप्ट, इसका जो मनुस्क्रिप्ट है वो उसको जला देती है, ये इसका क्लाइमेक्स है। तो अब स्टूडेंट थोड़ी सी इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस में जब हम देखेंगे तो इसका स्टूडेंट मैंने पहले भी बताया कि जो टाइटल सिग्निफिकेंस है हेडा गेबलर, अब हेडा गेबलर या हेड्रा जो टेस्टमैन है, अब जो बड़ी जेलस वुमेन थी हेडा और अपने जो फॉर्मर लवर था लेबॉक उसको जलाने के लिए उस वक्त नाम यूज़ करती थी हेडा टेस्टमैन, जो टेस्टमैन जो इसका हस्बैंड था, लेकिन एक जनरल था उसकी ये बेटी थी तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो डरती थी स्कैंडलाइज होने से, तो आम तौर पे ये हेडा गेबलर ही जो है वो नाम यूज़ करती थी। और हेडा गेबलर इब्सन जो है उसने भी हेडा गेबलर बेसिकली लिखा है, तो इसकी टाइटल सिग्निफिकेंस में इब्सन जो खुद क्या कहता है वो देखते हैं पहले। माई इंटेंशन, बेसिकली माई इंटेंशन ये इब्सन कह रहा है, इन गिविंग इट दिस नेम वॉज, टाइटल की बात हो रही है, टू इंडिकेट दैट हेडा एज अ पर्सनैलिटी इज टू बी रिगार्डेड रादर एज हर फादर्स डॉटर देन हर हस्बैंड वाइफ, कि वो अपने बाप की बेटी बनना, उसका नाम लेना ज़्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू हर हस्बैंड नेम, अपने हस्बैंड का नाम साथ लगाना, हस्बैंड को साथ लगाना जो है पसंद नहीं करती। स्टूडेंट्स इसके बाद जो है एक और भी बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन है, जनरल गेबल्स डॉटर्स व्हाट अ लाइफ शी हैड इन जनरल स्टे,
देखे जो वो अपने बाप के होते हुए अपने बाप के घर में जो ज़िंदगी बताती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्हेन शी वाज 30 इयर्स ओल्ड शी गॉट मैरिड, क्योंकि वो स्कैंडलाइज नहीं होना चाहती थी और डरती थी कि जो है वो शादी जो है वो लाजमी कर ले। फिर वो एक टेस्टमैन से एक स्कॉलर था बड़ा इंटेलिजेंट, उससे जो है वो शादी करती है। ऑल्दो शी वाज नॉट हैप्पी विथ हर यू नो मैरिड लाइफ, उसका हस्बैंड जो होता है वो स्कॉलर होता है। तो ये टोटल टाइटल सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट इसकी, हेनरी किप्सन की थोड़ी लाइफ स्पैन में और की फैक्ट्स है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इसके करैक्टर्स पे, करैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट जिसकी बात करेंगे जो जॉर्ज टेस्टमैन है, जर्जन टेस्टमैन जिसको हमने लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट यंग स्कॉलर था और हेडा का जो हस्बैंड था। अब स्टूडेंट ये जब प्ले स्टार्ट होता है, हम समरी में बात करेंगे, तो ये जब प्ले स्टार्ट होता है तो हनीमून पे गए होते हैं, तो वहाँ पे भी ये जो है वो अपने जो पेपर वर्क है वही करता रहता है अपना, जो वहाँ पे वो जो लिखना होता है इसने सारी रिसर्च करनी होती है वो रिसर्च करता रहता है, अपनी वाइफ को बिल्कुल टाइम देता है। और इसका आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो वाइफ थी हेडा, शी वॉज प्रेगनेंट वुमेन, शी वॉज अ प्रेगनेंट, तो प्रेगनेंट थी तो इसको बिल्कुल ही डिड नॉट नो अबाउट इट, कि उसको पता ही नहीं था कि मेरी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, तो जो है मैं उसके बारे में कुछ जान सकूँ। वो अपने काम में ही इतना बिजी था। और हेडा जो है वो इसका जो है वो जिक्र अपने जो इन दोनों का फ्रेंड होता है जज ब्रैक उससे भी करती है, बड़ा फॉरवर्ड होता है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो वो कहती है कि मैं जैस्मिन को नहीं बताऊँगी, उसे बता देती है। तो ऑल्दो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड गुड पर्सन, तो हेडा गैबलर की बात करें, जिस तरह मैंने पहले बताया डॉटर ऑफ जनरल गैबलर है और टेस्टमैन की बीवी है। हेडा गैबलर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर इन दिस यू नो प्ले एज वेल, एल्दो सम स्कॉलर्स सेड डेट और क्रिटिक्स सेड डेट शी वॉज एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर, एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर थी। एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलासफी यहाँ पे किर्केगार्ड की और सार्टर की हम यूज़ करेंगे, तो जो है वो शी डिड नॉट हैप्पी विद हर यू नो मैरिड लाइफ विद आर लाइफ एज वेल। जो है वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती थी, ठीक है, दूसरों जो क्या कहते हैं उसको स्कैंडलाइज होने से डरती थी, और दूसरों को जो है वो धोखा देना उसको अच्छा लगता था, ठीक है, चीट करती थी, ठीक है, जिस तरह इसके एक फॉर्मर जो लवर है एजलेट लिबॉक, तो लिबॉक जो है वो उसके साथ इसका रिलेशनशिप भी था, बाद में उसको मिलती भी है, तो उसकी जेलसी में जो थिया होती है इसकी फ्रेंड जो उसकी लिबॉक की जो होती है लवर होती है बिलव्ड होती है, तो उससे इतनी जेलस होती है कि उसकी वजह से इसका मनुस्क्रिप्ट जब इसको मिलता है तो उसको जो है वो जला देती है। फिर दूसरी तरफ एक और भी बात आती है कि जब ये अपना जो पिस्टल होता है इसके बाप के, दो पिस्टल होते हैं इसके पास, ये पिस्टल जो है लिबॉक को दे देती है और उसको कहती है तुम खुद को शूट कर लो, तुम्हारा मनुस्क्रिप्ट जल गया, तुम्हारा ज़िंदगी में क्या काम। तो वो अपने आप को जब शूट कर लेता है तो जॉर्ज जो ब्रैक होता है, जज ब्रैक, उसको पता होता है इस बात का, तो वो उसको जो है वो ब्लैकमेल करता है, उसको कहता है मैं बता दूंगा सबको, तो स्कैंडलाइज होने से डरती है। तो स्टूडेंट्स शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करेक्टर इवन इन द हिस्ट्री ऑफ यू नो इंग्लिश ड्रामा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक हम ये भी कह सकते हैं हेडा गैबलर इज अ ट्रेजेडी, तो ट्रेजिक प्ले है। इसके बाद स्टूडेंट जूलियाना टेस्टमैन है, जिसको हम आंट जोजो भी बोलते हैं, इसके टेस्टमैन की ये दो आंट्स हैं, आंट जूलिया और आंट रीना, तो आंट जोजो जिसे हम बोलते हैं। तो आंट जोजो जो है वो स्टूडेंट्स इसके पेरेंट्स के बाद इसकी सारी ब्रॉटअप करती है, इसकी परवरिश करती है और इसका बहुत ख्याल रखती है। अब वो लोअर मिडिल क्लास से है और हेडा जो है वो अरिस्टोक्रेसी क्लास से है, ये क्लास डिफरेंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है, क्लास, तो क्लास डिफरेंस होने की वजह से वो इससे बातचीत करना चाहती भी है जो आंट जोजो है, लेकिन वो डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है वो इनको इस काबिल नहीं समझती कि ये मेरे जो है वो बराबर हैं और मैं इनसे बात कर सकूं। हेडा गैबलर का जो ये डिफरेंस है लोगों के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जज ब्रैक जिस तरह एज आई टोल्ड यू बिफोर के फ्रेंड था दोनों का, टेस्टमैन का भी और इसका गैबलर, हेडा गैबलर का भी, और लिबॉक को भी जानता है, और यही होता है ब्रैक ही होता है जो आगे बताता है कि लिबॉक जो है वो एक जो वो भी स्कॉलर जो है
स्कॉलर है और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी अप्लाई कर रहा है और वो राइवल है, किसका राइवल है, तुम्हारे हस्बैंड का टेस्टमैन का, तो वो इसी वजह से उसका रिसर्च पेपर जो वर्क होता है वो जला देती है ताकि मेरे हस्बैंड जो है वो अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाए। तो जज ब्रैक का फिर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ये, जब हेड ऑफ गवर्नर होती है ये उसको सारा कुछ बताती है अपने हस्बैंड के बारे में, तो उसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है तुम हमारी कंपनी में आ जाओ, ठीक है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं आपकी कंपनी में आ जाता हूँ, लेकिन हमारी जो है ना कुछ लिमिट्स होंगी, तो वो लिमिट्स को तुम क्रॉस नहीं करोगे, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा होता है। एंड लेबॉक है आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर है, चंद इसके करेक्टर हैं स्टूडेंट। लेबॉक जो है वो फॉर्मर लवर है किसका, हेड ऑफ गवर्नर का, इसकी शादी से पहले इसके साथ लिंक होते थे, रिलेशनशिप था, तो अब वो डरती है स्कैंडलाइज होने से कि अब किसी को पता ना चल जाए। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो मिसेज एलवेस्टेड है, जो एक करेक्टर है जिसको थिया एलवेस्टेड, थिया इसका उसका नाम है, लेकिन वो मिसेज एलवेस्टेड शादीशुदा थी और वो अपने बच्चों को भी जो है वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है अपने बच्चों के साथ लेबॉक के लिए, तो उसके साथ शादी करना चाहती है। तो जो हेडा होती है वो इतनी जेलस होती है, इतनी जेलस होती है कि वो जो है वो उसका मैन्युस्क्रिप्ट जलाती है इसको जलाने के लिए। फिर बर्टा है या आंट रीना, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट्स ये आज जो हमने लेक्चर किया है ये सिर्फ हमने करेक्टर्स पर बात की है, टाइटल सिग्निफिकेंस पर बात की है, थोड़ा सा राइटर के बारे में और की इफेक्ट्स देखे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हेड ऑफ गवर्नर का पार्ट टू, उस पार्ट टू के अंदर हम इंशाल्लाह इसकी समरी देखेंगे और एनालिसिस देख करेंगे उसका, और इंपॉर्टेंट थीम्स देखेंगे और पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यूनिवर्सिटी सिलेबस के हवाले से वो देखेंगे। स्टूडेंट्स आई होप डैट यू पीपल रियली इंजॉयड माई लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू पीपल यू नो जस्ट आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।